बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए। यार जब ये मूवी देखने गए थे तब मतलब फिल्म देख के लग रहा था कि शाहिद और क्यारा बस जैसे हम ही दोनों फिल्म के अंदर घुस गए। नहीं, और जब मैं बाइक चला रहा था और तुम मेरे पीछे बैठी थी, मुझे पकड़ दी, मतलब कुछ बात नहीं कर रहे थे, पर बिना कहे भी वो एक कनेक्शन, वो जो एक फील थी ना, वो जो इमोशन, वो एक कंपैटिबिलिटी जो थी, वो हर बार वो फील वो बस यही गा रही थी, बेख्याली। लेकिन वहां पे गाना खत्म हुआ और उसके साथ हमारी राइड भी खत्म हो गई। फिर पता लगा कि बस अब अकेले ही फिल्म देखने जाना पड़ेगा, मेरे पीछे बाइक पे बैठने वाली कोई नहीं होगी, कोई नहीं होगी जो मुझे पीछे से बाइक पे ऐसे पकड़ेगी, जो मेरे साथ ये बिना कहे भी गाना गा रही होगी। मतलब कैसे फिल्म में बातें हैं, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं लूजर्स की तरह बात कर रहा हूँ मैं, एकदम फिल्मिस्ट है। गुंजन, पता है कुछ लोगों में ना बात होती है, कुछ लोगों में बात होती है कि आपकी नॉर्मल लाइफ को फिल्मी बना देते हैं, कुछ लोगों में वो बात होती है जो आप ही शेर व शायरी करने लग जाते हैं, कुछ लोगों में बात होती है कि जिनके लिए आप लूजर्स बन के आपको लगता है कि आप विनर बन गए, कुछ लोगों में ही वो बात होती है जो मतलब एक बिना कहे जो हमारे वाली थी, एक फीलिंग है, कंपैटिबिलिटी, कनेक्शन, वो हर जगह नहीं निकल पाता, कुछ लोगों में ही बात होती है। और गुंजन वो बात तुम में है और किसी में नहीं, सिर्फ तुम में है।